सॉलिड स्टोरेज सीरीज में आज की स्टोरी है द किंग एंड हिज थ्री सन्स। एक राजा और उसके तीन बेटे। राजा को अपना युवराज उत्तराधिकारी चुनना था। उसने कहा अपने तीनों बेटे से कि मैं बड़े बेटे को या छोटे बेटे को या उस मझले को या छोटे को या बड़े को नहीं बनाऊंगा। जो केपेबल होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जो समझदार होगा, जिसके अंदर बहुत इंटेलेक्ट अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, उसको मैं बनाऊंगा जो पूरे राज्य को संभाल सके मेरे बाद में और इस राज्य को चला सके, उसको मैं उत्तराधिकारी बना दूंगा। तीनों को एक एक एम्प्टी रूम दिया गया। तीनों को तीन एम्प्टी रूम दिया गया। पहले वाले को इसको घास से भर दिया। सबसे बड़े बेटे ने उसे घास से भर दिया। मैं भरना था, रूम को भरना था, तीन एम्प्टी रूम दिया गया था और उसको बोला था फिल कर, पूरी तरह से फिल कर दिया। पहले ने उसे पूरे घास से पूरे घर को पूरे रूम को फिल कर दिया। अंदर आते के साथ यहां पे घास थी और ये जगह छोड़ दिया जाने के लिए, पूरा रूम फिल्ड। दूसरे ने टेबल कुर्सी से फर्नीचर भर दिया, यहां जाने के लिए जगह छोड़ दी, यहां पर फर्नीचर भर दिया। एक ने घास से भर दिया, दूसरे ने फर्नीचर से, तीसरे ने एम्प्टी रखा। पूरा रूम एम्प्टी था। जब राजा आया तो पुनः कह रहे उसने तो घास से भर दिया, पूरा रूम भरा हुआ है तुम्हारा फर्नीचर से, दूसरे वाले ने फर्नीचर से भरा हुआ दूसरे का, तुम्हारा रूम एम्प्टी क्यों, खाली रूम है। उसने बोला ये भी भरा पड़ा है। उसने आसपास से जितने विंडो थे उसको उसने क्लोज किया। दरवाजा, एंट्री का जो दरवाजा था उसे बंद किया। दरवाजा विंडो अंधेरा हो गया। उसने माचिस चलाया और वो रोशनी से पूरा। उसने कहा आपने कहा था कि रूम को भरना है, मैंने प्रकाश से भर दिया, क्योंकि जब मैंने बंद किया दरवाजा तो उन्होंने कहा होगा। ऐसे कई दरवाजे जिंदगी में बंद होंगे जिनको प्रकाश से भरना पड़ेगा। एज ए किंग मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, जिससे लड़ने के लिए मुझे प्रकाश रोशनी की जरूरत पड़ेगी। राजा को लगा उसका तीसरा बेटा बहुत समझदार है और वो राजा बनने लायक है और वही किंग बना, वही युवराज बना, बाद में किंग बना। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज आपको इनोवेटिव होना है, क्रिएटिव होना है लाइफ में। चैलेंजेस बहुत हैं, अंधकार आएंगे, आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि रोशनी किधर है। उस अंधकार से निकलने के लिए आपको रोशनी चाहिए होता है जीवन में। थैंक यू वेरी मच।